है, यह जो वीडियो है बीपीएससी यूपीएससी चाहे मान लीजिए आप दोस्तों देते हैं दरोगा का या बिहार पुलिस या मतलब कोई भी एग्जाम हो सभी एग्जाम के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, आइए जानते हैं कि भारत के व्यक्ति नेता कौन थे जिन्हें तीनों को एक ही साथ एक ही समय पर फांसी दी गई और फांसी देने से पहले उनकी आखिरी ख्वाहिश क्या थी। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वे तीन नेता वे थे जिनका नाम था, पहला नाम भगत सिंह, दूसरा नाम सुखदेव और तीसरा नाम था राजगुरु, जिन्हें तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। ठीक है, चलिए 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। उसके बाद हम जानते हैं कि फांसी देने से पहले उनका आखिरी ख्वाहिश क्या था, उनके आखिरी ख्वाहिश क्या था। देखिए दोस्तों, फांसी देने से पहले उनका आखिरी ख्वाहिश था कि उन्हें लेनिन की जो है जीवनी पर, देखिए आपको मैं देखिए यहाँ पर लिख दिया हूँ, जीके और एग्जाम सभी के लिए है। भारत के वे तीनों कौन थे जिन्हें एक साथ फांसी दी गई, एग्जाम में पूछता है जीके और जेटीयू बना करके। तो भगत सिंह, सुखदेव और गुरु राजगुरु थे। 23 मार्च 1931 को दिया गया और शाम में करीब 7 बजकर, ध्यान रखिएगा टाइम याद कर लीजिएगा, पूछता है एग्जाम में 7:33 पर दिया गया और उनकी आखिरी ख्वाहिश क्या थी, तो लेनिन की जीवनी थी। क्या थी? लेनिन की जीवनी थी। ठीक है ना, तो इन सब के इन सबसे अलावा और भी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे चलें। थैंक यू।